हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पद्मनी फ्रॉम पद्मनी रिंकीज चैनल। सो फ्रेंड्स, मेहनत तो बहुत करती हूँ और रिसर्च करती हूँ, गूगल करती हूँ, फिर जाके एक वीडियो बनाती हूँ, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर वॉच करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइबिंग जिसने भी किया है, और देखते हैं। सो आज की वीडियो है हेयर रिलेटेड, यानी अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतले हैं और रूखे सूखे हैं, झाड़ू जैसे बनते हैं, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है। आप शायद उसे फेंक, मतलब खाने के बाद उस छिलके को फेंक देते होंगे, लेकिन वो बहुत काम की है। और उसे इस तरह से अप्लाई कीजिए अपने बालों में, तो फिर आपके बाल एकदम हेल्दी बनेंगे और शाइनर बनेंगे, साथ ही लंबे भी होंगे, घने भी होंगे और झड़ना भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे केमिकल्स प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद हमारे बालों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आजकल, खास करके बालों का सफ़ेद हो जाना और गिरते रहना, साथ ही बालों का बहुत ज़्यादा पतले होना। तो हर किसी को हेल्दी बाल चाहिए होती है, सो इसीलिए आज मैं लेके बहुत सिंपल नुस्खा। तो इसके लिए मैंने जो है पानी को उबाल लिया था, और उबालने के बाद उसमें ऐड कर रही हूँ जो है पोमग्रेनेट, उसका छिलका यानी अनार का छिलका। अनार का छिलका डालते ही आप देख रहे होंगे पानी कितनी जो है कलर इसकी चेंज हो गई है, एकदम गोल्डन हो गई है, पानी का कलर येलो हो गई है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही लाभकारी है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो ये सबसे बेहतरीन है आपके झड़ते बालों को फिर से रिस्टोर करने का और उससे बचाने का। इस तरह से एक अनार का छिलका था और एक ग्लास पानी में मैंने उसे अच्छे से उबाल लिया है और उसे ठंडा कर लिया है। ठंडा होने के बाद उसे छन्नी से छान कर दूसरी कंटेनर में डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, इसे आप जब भी बाल धोने जा रहे हैं उससे पहले, 2 घंटा पहले अपने बालों में, चाहे वो कर्टन की सहायता से हो या फिर बालों में स्प्रे बॉटल से स्प्रे करके बालों को इस पानी से गीले कर लें, और उसके 2 घंटे बाद बालों को धो लें। सो फ्रेंड्स, अनार की छिलके में बहुत ज़्यादा होती है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, और ये हेयर फोलिकल्स को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, स्कैल्प की डैमेजेस को हील करते हैं, साथ ही स्टिमुलेट करते हैं बालों की रूट को, इससे हेयर ग्रोथ होती है और साथ ही हेयर जो है हेल्दी बनते हैं और बिल्कुल शाइनियर बनते हैं और सिल्की बनते हैं, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो नेचुरल कलर होती है बालों की वो दिखने लगती है। सो फ्रेंड्स, बाल धोने के बाद आप उस वक्त जब आप बाल धो रहे हैं शैम्पू ना करें, और हो सके तो बालों को धोने के बाद कोई भी अच्छी वाली होममेड ऑयल से ऑयल मसाज भी कर लें। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अनार का छिलका जो है फेंक दे रहे होंगे, तो उसे संभाल कर रखिए, अच्छे से क्लीन करके ड्राई करके आप इस तरह से पानी बनाइए और अपने बालों में एटलीस्ट वीकली 3 to 4 times लगाइए, और फिर आप ग्रेजुअली फील करेंगे कि आपके बालों की सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और आपके बाल एकदम काले, लंबे और घने हो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, देखते वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।